महाराज आपका स्वागत है युद्ध में। महाराज आपकी आज्ञा हो तो उन बक्सों को खोल दिया जाए। हाँ, उन बक्सों को खोल दिया जाए और बाकी सैनिकों से कह दो सभी दूर हो जाएं। उन बक्सों में ढेर सारे जहरीले बिच्छू होते हैं जो सम्राट के सैनिकों को डंक मारते हैं और मार डालते हैं। वे बिच्छू इतने छोटे होते हैं कि हाथियों के पैरों द्वारा भी नहीं कुचले जाते और ना ही भाले द्वारा मारे जाते हैं। तभी बहुत दूर से एक साया तीर चलाता है। वो एक तीर असंख्य तीरों में बदल जाते हैं। और जाकर सीधे उन्हीं असंख्य बिच्छुओं को लगते हैं। उन तीरों से एक भी बिच्छू नहीं बच पाता। वो साया और कोई नहीं सम्राट कुंभा का रहता है, जो अपने सैनिकों को इस हालत में देखकर आक्रोश में आ जाते हैं और सैनिकों को वे बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। वहीं दूसरी ओर करका का आतंक देखने को भी मिलता है और सेनापति चक्रपाणि का भी। सम्राट के आ जाने से सैनिकों में लड़ने का उत्साह आ जाता है। सम्राट, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था कि कब तुम आओगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा। ये समय ही बताएगा कि कौन किसका वध करेगा। पहले तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दो। कैसा सवाल, पूछो। इस युद्ध का कारण क्या है जब हमने संधि स्वीकार कर ली थी? जिस सैनिक को हमने राजदूत बनाकर आपके महल भेजा था, वो सैनिक को आपने मार डाला और आपने संदेश भेज दिया कि हमारे बीच संधि नहीं हो सकती, युद्ध हो सकता है केवल। क्या वो सैनिक मारा गया? हाँ, तुम्हारे आदेश पर ही। हमारे महल में आया हुआ कोई भी अतिथि भगवान स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसके वध करने का विचार हम सोच भी नहीं सकते। जरूर इसमें कोई और शामिल है। सम्राट, मैं जानता था कि ऐसा घटिया काम तुम कभी कर ही नहीं सकते। मैं राज्य के बाहर था, इसलिए यह युद्ध आरंभ हो गया। नहीं, गलती मेरी है। आप लोगों को युद्ध करने के लिए मजबूर मेरे आदेश पर ही हुआ था। दोनों महाराजाओं को बातें करते देखकर मिराज बिच्छू राजा पर भाले से प्रहार कर देता है ताकि यह युद्ध किसी भी हालत में ना रुके। मिराज बिच्छू राजा को मारने के लिए भाला फेंकता है। तभी बिच्छू राजा का सेनापति करका अपने महाराज को बचा लेता है और वह भाला अपने सीने पर ले लेता है। यह देखकर सम्राट अपने सेनापति चक्रपाणि से कहते हैं, सैनिकों से कहो हमारे नगर के सारे वैद्यों को लेकर आए ताकि सारे सैनिकों का उपचार हो सके, यहाँ कोई सैनिक न मारा जाए और बिच्छू राजा का सेनापति जो कि घायल हैं उन्हें भी कुछ ना हो। आपकी जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। मित्र, आप चिंता न करें, आपके सेनापति को कुछ नहीं होगा। धन्यवाद मित्र। मैं जान गया हूँ ये किसका काम है, आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूँगा। और हाँ मित्र, दो दिन बाद आपका हमारे महल में आमंत्रण है ताकि हमारी मित्रता का संदेश पड़ोसी राज्यों को भी मिल जाए। ठीक है, अब मुझे जाना होगा।